आ जाओ अब आ रहा हूँ अखिल भारतीय किसान सभा ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय परिसर हिसार में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने के पहले दिन जिला भर से सैकड़ों किसानों ने सरकार व प्रशासन की नीतियों के विरुद्ध नारेबाजी की। कई किसान अपने साथ सूखे हुए मूंग व कपास की जली हुई फसलें लेकर आए। किसानों ने कहा कि बदकिस्मती से आज सरकार किसानों की गुहार नहीं सुन रही। जो फसलें 100% तक बर्बाद हो गई है उसको गिरदावरी में केवल 10% दिखाया जा रहा है। आज का धरना और प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि कई जिलों के अंदर खास तौर पर हिसार में, भिवानी में, सिरसा में, फतेहाबाद में कपास की फसल पूरे तौर पर बर्बाद हो चुकी है। कुछ इलाके में पहले पानी के भराव की वजह से हो गई थी और अब बीमारी की वजह, सूखे की वजह से 70% से लेकर 100% फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके साथ मूंग की और ग्वार की फसल भी बर्बाद हो गई है और इसको, इस बात को लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा ने लगातार तहसीलों में, जिलों के ऊपर धरने दिए, उपायुक्त को मांग पत्र दिए और हिसार में भी 2 सितंबर को यहाँ बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए और इस बात की मांग की कि स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक यहाँ प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है, बल्कि बाढ़ समिति के तहसीलदार ने तो ये रिपोर्ट दे दी है कि 10% खराबा है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अच्छा है कि आज यहाँ के DC महोदय ने इस बात को मान्या है कि ये प्रारंभिक रिपोर्ट थी, हम इसमें सुधार करेंगे। हमारी मांग ये है कि तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और किसान का जो नुकसान हुआ है 20-25 हज़ार रुपये तो प्रति एकड़ खर्चा आया हुआ है फसल के ऊपर, और जहाँ ठेके में जमीन ले ये 30 हज़ार रुपये कम से कम ठेका है, 50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए और जो केंद्र सरकार किसान विरोधी अध्यादेश लाई 3 वो बिल्कुल किसान विरोधी है, वो कारपोरेटों के हक में है, किसानों को बर्बाद करेगी, हाड़कियों को उजाड़ेगी, मनीमों को उजाड़ेगी, किसान और मजदूर को बर्बाद करेगी, उनको वापिस लिया जाए। तो इस बात को लेकर के आज हमने यहाँ हिसार के अंदर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। कल भिवानी के अंदर धरना था, आज शिवानी और बैल में भी धरना है और कल फतेहाबाद के अंदर एक बड़ी किसान पंचायत बुलाई जाएगी और इसके बाद 13 तारीख को हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग होगी हिसार के अंदर, जिसमें आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया जाएगा। ऐसा है जी कि कोरोने का समय है, हमारी कोशिश है कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना की जाए, लेकिन अगर ये सरकार का ये दौरा चरित्र रहा, किसान विरोधी चरित्र रहा, तो हमें बड़ी भीड़ इकट्ठी करके यहाँ कमिश्नर सत्र के ऊपर भी कोई बड़ा घेराव और पड़ाव डालने की योजना बनानी पड़ सकती है। इसलिए अगर सरकार कोरोना के बारे में थोड़ी सी भी चिंतित है तो इन किसानों की बातों को सुने, इसके ऊपर गौर करे, DC महोदय सभी तहसीलदारों को आदेश दे कि फौरी तौर पर गिरदावरी का मूल्यांकन करके वो यहाँ पर दे और गिरदावरी के अंदर बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी किस्म की घपलेबाजी या मिली भगत की अगर कोई शिकायत आई तो उस अधिकारी को हम माफ नहीं करेंगे, चाहे उसके घर के दरवाजे के ऊपर धरना दे के बैठना हो।